बाप बेटे रुल रुलकदस के नाम से अमिन आए मेरे अजीज़ों हम बाइबल स्टडी में तस्निया शरा की किताब से हम क्या सीखते हैं इसके अहम नकात के बारे में सीखते हैं इसके अहम नकात देखते हैं नंबर वन पे ये किताब बहुत से मुख्तफ़ मौा अलहदा आहदा बयान करती है और दोहराती है जिनका बनीसराइल ने बाजमात यानी इकट्ठे खुदा के साथ तजर्बा किया यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि मूसा लोगों को बुलाता है दावत देता है कि एक दिल और एक जान होकर वाहद और सच्चे खुदा की पुरमहब्बत और वफादारियों वफादार दिलों के साथ ताबेदारी करें मूसा की तलीमो तरबियत की बुनियाद खुदा के कलाम पर है इसलिए ये तौर यानि श्रीत कहलाती है जिसका मतलब है जिंदगी बख्श्राह या राह नजात जो ज़लफ़ इसराइली तारीख़ में सबसे बड़ा वाक़ ये हकीक़त है कि खुदा की तरफ़ से चुने हुए हैं ख़ुदा की तरफ से इसराइल का इंतबा बिल्कुल किसी वजह के बग़ैर और इससे भी बढ़ कर आज़ादाना और इलाही रियायत यानी मराहत और फ़्राख़ दिली और बख्शिश के सबाब हुआ था इसके साथ साथ इसराइल को एक नसब मकसद याद मिला कि वो इस ज़िंदगी बख्श्रा पर चल कर इस दुनिया में मौजूद दीगर तमाम कौमों पर खुदा की मौजूदगी को ज़ाहिर करे जज्बे दूसरा बड़ा वाक इसराइलीओं की मिस्र से रवानगी था जानलेवा गलामी में रह कर मौत का सामना करते हुए इसराइली लोग बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से बचाए गए इन्हें आज़ादी मिली और वह किसी आदमी के नहीं बल्कि खुदा के खदम बने जोजिन तीसरा बड़ा वाक़ वो अहद था जो खुदांद ने बनी साहल के साथ बांधा खुदांद ख़ुदा ने अपने आप को पाक और प्यार करने वाला जहर करते हुए मूसा को दरमिनी बनाकर कर कोहसिना पर बनी शराइल के साथ एक अहद बांधा। इस अहद की वजह से बनी शराइल ख़ुदा के मखसूस खादम बने इसके पाक लोग खुदा ने हमेशा इनके साथ रहने का वादा किया जाल चौथा बड़ा वाक़ यह था कि खुदा दर हकीकत इनके दरमियान रहने के लिए आया बियाबान में चालीस साल इधर उधर घूमने के दौरान खुदावंद वंदर हकीकत इनके साथ था इसकी परवाह किए बग़ैर के क्या हुआ ख़ुदा ने कभी भी अहद को मनसूख नहीं किया जी पाँचवा बड़ा वाक़ ये हकीकत है कि बार बार बगावत और सज़ा पछतावा और मुआफ़ी है चालीस साल मसाफरत के दौरान बनी इसराइल ने अहद के ख़िलाफ़ चलने के लिए अपने अपनी मकारीों से बेवफाइयों यानी बगावतों के अंबार लगा दिए लेकिन उन्हें वफ़ादारी और फरम्बरदारी के लिए कहते हुए जैसे एक बाप अपने बच्चों को सजा देता है वैसे ही खुदा ने उन्हें सजा दी और अपने चाल चलन पर सोचो बचार करने की तलकीन करता रहा मूसा के दरम्यान दरमिया होने के ज़रिए ख़ुदा ने उन्हें तर्क करने की बजाय उन्हें बार बार मुआफ़ किया दूसरा अहम नुकता जो हम तस्नी शरा की किताब से सीखते हैं वो है मूसा लोगों को अहद की शरात याद दिलाता है जो ज़लफ़ बनी सराइल को चाहिए कि ख़ुदा की खिदमत करें आराम के दिन शब्बत को मानना, पहले पह, पहले फल को नज़र गुजरना गुजारना चाहिए और मखसूस ईदों को मुकर वक़्त पर मनाना और क़ुरबानी देना चाहिए इस राह के मुताबिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना चाहिए जो खुदा उन्हें बता चुका है और ख़ुदा के लोगों के लिए वो राह दस अहकाम हैं बे फरम्बरदारी करना या नाफरमानी करना हर एक शख़्सी आज़ादी पर मुनसर है हर शख़्स की आँखों के सामने दो राहें रखी गई हैं एक रहा ज़िंदगी की तरफ़ लेकर जाती है और दूसरी तबाही व मौत की तरफ हर एक पर लाजम है कि वो एक या दूसरी राह का इंतबा करें अगर इसराइली खुदा के साथ किए हुए अहद की फरमाबरदारी करने का इंतब करते हैं वो खुशहाल होंगे और तादाद में बढ़ेंगे उन्हें वो मुल्क मिलेगा जहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं और वो इस अहल होंगे कि खुदावन के आराम में दाखिल हों जो खुदा है इसके बारकस अगर वो अहद की फरमाबरदारी का इंतब ना करें इन पर लानत आएगी हर चीज़ इनसे ले ली जाएगी और वो मर जाएंगे जिंदगी का इंतखब करो तीस बाब उायत जोस जीम इसराइल के लिए खुदा के लिए के लोगों की हसीियत से ज़िंदगी गुजारने की राह दाएँ बाएँ झांकने झांके बगैर हर दो इनफरादी और अज्तमाही तौर पर अपनी सारी कवत के साथ खुदा मंदा अपने खुदा को प्यार करना गरीबों यतीमों बेवाओं दीगर ममालक से अजनबियों परदेशियों और लावियों को जिनकी अपनी मराज नहीं मेहरबानी और शफ का दिखाना भाइयों और बहनों की तरह मसावत में रहना क्योंकि सब को गुलामी से निजात मिली थी इस लिहाज से सब खुदा के लोग हैं जुज डाल बादशाह को भी कोई रियायत नहीं क्योंकि वो भी खुदा के लोगों में से एक है जज़ह चांद एक मखसूस वाक़ात के अलावा इसराइल ने एक कौम की हसीियत से अपना बाग़ाना करदार और अहद को तोड़ने का रवैया जारी रखा लेकिन ख़ुदा अपने वादों का सच्चा और वफ़ादार है और मुस्तबिल में वो दूसरा और नया मूसा भेजेगा अठारह पंद्रह सिर्फ़ इस बार खुदा अपनी बेबिया महबत में तमाम बनी नवए इंसान के साथ एक नया अहद बाँधेगा ना कि सिर्फ़ इसराइल के साथ अभी तीसरा अहम नुकता जो रसनी शरह की किताब में है वो इसराइल की मानी ज़िंदगी के बुनियादी असूल बताए गए हैं इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से लोग खुदा की मौजूदगी की गवाही देते हैं जो ज़लफ़ सुन्नः इसराइल छठे बाब की चौथी आयत के पहले अल्फाज हैं इस वक्त से लेकर लोग उन्हें हर रोज़ गाते थे यह हमारा खुदा अकेला वाहद यह है तो खुदा मंदा अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार करें ये अलफा एक हुक्म हैं बे पहले फल की नज़र के मौका पर वो ऐसे अल्फाज गाते थे और शुक्रगुज़ारी करते थे कि जो कुछ भी इनकी मलकियत है वो तमाम चीज़ें खुदा की तरफ से फ़जल और तहाइफ थे बाब छब्बीस जो जी, जीम उन्हें खुदा के कामों को भूलना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें अपने बच्चों को बताना था मलादा फरमाए चौथा बाब पहली से चालीस आयत खबरदार रह और अपनी जान की बड़ी हफाजत कर तो इन बातों को फरामोश ना कर जो तेरी आंखों ने देखी और वो तेरी ज़िंदगी के तमाम दिनों में तेरे दिल से जाती ना रहें बल्कि तू अपने बेटों और पोतों को सिखा जाल खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि इन जगहों पर जो वो मखसूस करेगा मसलसल ईदें मनाएं हर जमाने में इसराइलीओ को यकीन दिलाने के लिए कि खुदावन खुदा ने उन्हें चुना और रिहाई दी और उनकी रहनमाई के लिए हमेशा इनके साथ था हर जमाने और हर मुल्क में लोगों को दिखाने के लिए कि इसराइल को इनके दरमियान रखा गया है ताकि खुदा के साथ ख़ास रिश्ता रखें और हमेशा इसकी खिदमत करें खुदा इस और इसके लोगों पर जहर करने के लिए कि एक मतहद ख़ानदान की हैसियत से वह मखसूस जगह पर इकट्ठे जश्न मनाते हैं क्योंकि खुदा और इसके लोग इकट्ठे मिलकर एक ख़ानदान को तशकील देते हैं चौथा अहम नुकता इस किताब में पाक नवशतों की तफसीर कैसे की जाए खुदा के मनसूबा निजात में माजी हाल और मुस्तबल एक दूसरे से अलहदा नहीं और उन्हें एक रवात तसलसल के तौर पर ही पढ़ना चाहिए खुदा की तरफ़ से बांधा हुआ अहद सिर्फ़ माजी में पाए जाने वाले इसराइलीओं के साथ नहीं था लेकिन जैसा कि हमें बार बार बताया जाता है कि हमारे लिए भी लमह फिक्रिया है जो इस दौर में रह रहे हैं मूसा के जद्दोजहद के वसीले इसराइल का मिसर से निकलना और इसके बाद रूनमा होने वाले सिलसिलावार वाक़त आज हमारे लिए भी बिल्कुल वैसे ही बयान किए गए हैं जैसा कि माजी में वक़ूप पजीर हुए थे जैसा कि ये कदीम अहद के इसराइलियों के लिए थे वैसा ही ये हमारे लिए भी हैं कि हमारे सामने भी दो राहें पाई जाती हैं और इंतखब करने के लिए हमें भी आज़ादी और दयानदारी का इस्तेमाल करने का पुरजोर मशवरा दिया गया है कि इसी राह को चुने जो ज़िंदगी और अबदी ख़ुशी की तरफ जाती है पाँचवा अहम नुकता जबूर 119 भी वैसे ही हमारी तरबियत करता है जैसे कि तस्निया शरा की किताब बयान करती है मुबारक हैं वो जो कामल रफ़्तार हैं और खुदावन की शरीयत पर चलते हैं मुबारक हैं वो जो इसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से इसकी तलाश करते हैं यानी वो जो अबदी जो बदी नहीं करते पहले बात की आठवीं आयत बल्कि इसकी राहों में चलते हैं 33 चालीस ए खुदावंद मुझे अपने कवानी की राह बता और मैं हू बू इस पर चलूंगा मुझे फहम अता कर ताकि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूँ और अपने सारे दिल से इसकी हिफाजत करूँ एक सौ उन्नीस एक सौ पाँच तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है एक सौ उन्नीस और आयत एक सौ अड़सठ ए मेरी दहाई तुझ तक पहुँचे अपने कलाम के मताबों को मुझे फहम अता कर दोहराई के लिए मवाद तकवीन से तस्नी अशर तक पाँच किताबें असफारक हमसा के नाम से जानी जाती हैं इनमें सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है जो ये किताब बयान करती है ये हमारे लिए सवालिया निशान है हमारे लिए आपके लिए सब के लिए हर कोई अपने आप से ये सवाल करते हुए दोहराई कर सकता है सो अपने क़ादम रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक को इजाज़त दें नेक्स्ट बाइबल स्टडी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ खुदा धाम सब के साथ अब्दुल्लाबाद रहे और अपने कलाम को पढ़ने सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अताफरमाए खुदा बाप बेटे रुलकुदस के नाम से आमिर